देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम अर्ज़ है। मैं इस वक्त हिंदुस्तान के एक इंतहाई अहम मकाम पे हूँ, ये है गोलकंडा फोर्ट यानी राउंड शेप हिल फोर्ट किला। तेलुगु जुबान में से चरवाई की पहाड़ी भी कहते हैं। 1393 में ये किला बहमनी के पास था। इसे मगरबी सरहद और फसील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यह किला गोलकंडा 120 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर वाक़ है। ये एक बड़ा महफूज मकाम है। 1518 में सूबेदार कुली कुतुब मलिक ने अपनी आज़ादी का जब ऐलान किया तो उसे कुतुब शाही सल्तनत का नाम दिया और गोलकंडा को अपना कैपिटल करार दिया। ये किला चारों तरफ से ऊंची फसीलों, मेहराबों, बुर्जों और बड़ी बड़ी दीवारों से कायम है। इस किले में शाही महल, मस्जिद, दफातर, परेड ग्राउंड वगैरह सभी कुछ का एहतमाम किया गया ताकि अगर कभी कोई चढ़ाई करे, दुश्मन चढ़ाई करे या कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो ये दरवाजे बंद करके ये सारी ऊंची ऊंची फसीलें ये इस मकीनों को, इस सल्तनत के लोगों को महफूज रख सकती हैं। ये किला कई मीटर की के रकबे पे मुहित है। अगर आपको याद हो कोहिनूर हीरा, अगर आपको याद हो नूरुल ऐन हीरा, तो कोहिनूर और नूरुल ऐन हीरे भी इन्हीं पहाड़ियों से दरियाफ्त हुए थे, जो बाद में तराश कर हिंदुस्तान और फिर आजकल ब्रिटिश राज बरतानिया के पास मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, इस किले की एक दास्तान है। यहाँ पर सभी कुछ महफूज है। इसमें वो सारे हरब के जो हथियार थे, जंग के जो हथियार थे, इस ज़माने के जो तोपें थीं और जो इस्तेमाल होती थी अशिया दीगर, वो सभी कुछ यहाँ पे महफूज हैं। ये किला हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाकया है, एक अहम हिस्सा है और यहाँ पर हिंदुस्तानी तारीख और कुतुब शाही दौर के बेशुमार नवादरात और उसके सारे लवाजमात यहाँ मौजूद हैं। जब कभी आप हैदराबाद तशरीफ लाएं तो इस किले में यानी गोलकंडा फोर्ट में ज़रूर तशरीफ लाइएगा। ये बड़ी दिलचस्पी का बायस है, तारीख का हिस्सा है और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके मुसलमानों के उस दौर का भी अंदाज़ा होता है जिस दौर में उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की। अब बशीर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।